ध्यान देना, भागवत जी में और शिव महापुराण में ब्रह्मा जी की भी उम्र लिखी है। ब्रह्मा जी की भी कितने दिन जीना। कबीरदास जी एक पद लिखते हैं, साधो ये मूर्धन के गांव, साधो ये राजा मरी है, प्रजा मरी है देश तमाम, साधो ये मुर्दों के गांव, ये जिस दुनिया में तुम जी रहे हो ये मुर्दों का गांव है। किसका गांव? आज एक चला गया, कल दूसरा, परसों तीसरा, एक ना एक की रोज बारी लगी रहती है, एक ना एक की रोज बारी, बोलो ना, मुर्दों का गांव। एक बात मेरे को ध्यान आई, ऋषिकेश अपने आश्रम के बगल में शमशान घाट है, ऋषिकेश में अपने आश्रम के ठीक बगल में शमशान घाट है, अवधूत बाबा रहता है, उसका नाम है अरुण, थोड़ा पतला सा, दोपहर का समय था, मनी घंटा नहीं थी, दोपहर के समय में मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था, वो पतला सा बाबा, थोड़ा पागल, डिप्रेशन का मारा हुआ, मेरे कमरे में आया, थोड़ा हुआ दरवाजा खटखटाया, मैंने कहा क्या हुआ अरुण? बोला महाराज जी, बोलो, कहता महाराज जी चार मुर्दे मिलके एक मुर्दे को उठा के ला रहे हैं, चार मुर्दे मिलके एक, बोलो, मेरे को बात ही समझ नहीं आई, मैं क्या रहा, मैं उठ के गया दौड़ करके देखूं तो सही है क्या मामला, जाके क्या देखा कि चार आदमी एक मुर्दे को उड़ा के ला रहे हैं। मैं कहा क्यों रे यार, तू झूठ बोलता है, तू तो कह रहा था कि चार मुर्दे मिलके एक मुर्दा ला रहा है, ये तो जिन्ना है। बोला नहीं महाराज, आपको नहीं पता ये भी मुर्दे, ये भी, वो कैसे? बोला महाराज जी ये जो अर्थी के ऊपर लेटा हुआ है ना, ये तो है वर्तमान का मुर्दा, ये जो अर्थी के ऊपर लेटा है ये तो है वर्तमान का मुर्दा, और ये जो चार उठा करके ला रहे हैं ये है भविष्य के, ये है थोड़े देर के बाद ये भी मुर्दे ही होने वाले हैं, इनको भी कोई ना कोई उठा करके लाएगा। मैंने कहा अरुण है तो तू पागल, लेकिन आज तुमने बात बहुत पते की कर दी, इस दुनिया में वास्तव में कोई भी रहने वाला नहीं, रहना नहीं ये बेगाना है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहो नानक फिर कछ नहीं अपने जो संसार, यहाँ तो राम को आना पड़ा तो राम को भी जाना पड़ा, यहाँ कृष्ण को आना पड़ा तो कृष्ण को भी जाना पड़ा। इस जगह का नाम है मृत्यु लोक, इस जगह का नाम क्या है बोलो, यहाँ पर जो आएगा उसकी मृत्यु जरूर होगी, मृत्यु के बहाने अनेक लोग सकते जानते, मृत्यु के हार्ट अटैक हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ये सब है बहाने, ये सब क्या बोलो, कारण केवल एक, मृत्यु के बहाने हजार लेकिन कारण केवल, वो कारण क्या है, वो कारण है जन्म, जिसका जन्म हुआ है एक ना एक दिन उसकी मृत्यु जरूर होगी। महाराज जन्म के साथ ही मृत्यु लिखी जाती है, हम लोग बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, मनाना चाहिए, अच्छी बात है, बच्चों का, बोलो, कहते कि आज हमारा बच्चा बड़ा हो गया, आज हमारा बच्चा, गहराई से जांच कर देखो तुम्हारे बच्चे के जीवन में से एक साल कम हो गया, तुम्हारे बच्चे के जीवन में से एक वर्ष कम हो गया। हमारे पंजाब का एक गायक था, मुझे उसका एक याद आया शब्द, मैं कल तक नहीं रहना जिन्हें तिड़के कढ़ेगा पानी, तो एक एक बूंद चटते हुए घड़े में से, टूटे हुए मटके में से, जैसे एक एक बूंद पानी कम होता रहता है, ऐसे ही तुम्हारे जीवन रूपी मटके से एक एक श्वास तुम्हारी आयु कम होती जा रही है। महाराज जन्म के साथ ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित कर दी गई। तारकासुर ने कहा महाराज मुझे अमर बना दो, ब्रह्मा जी बोले कि अमर तो मैं भी नहीं, तो तुझे अमर कैसे बना, कुछ और मांग। तारकासुर ने चलाकी चल गई, तारकासुर ने, बोलो ना, कई कई लोग बड़े चलाक होते हैं, कई कई लोग बड़े, ऐसे तो तुम सारे ही हो, चलाकी का तो क्या कहना, खैर महाराज पूछो ही नहीं, एक से एक बढ़िया चलाक मिलते हैं, एक से एक बढ़िया, बोलो ना, एक से एक बढ़िया चलाक मिलते हैं, एक से एक बढ़िया, गजब से गजब।